तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ई श्रम कार्ड योजना में जो नई पेमेंट लिस्ट जारी हुई, उसमें आप कैसे अपना नाम चेक करोगे, सीधे आपके खाते में पैसा डला है कैसे, आप इसमें डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको अपना नाम चेक करोगे लिस्ट में ऑनलाइन। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले हम चैनल पर वीडियो बना देते हैं और वैकेंसी भी रिलेटेड जो हमें वीडियो डलता रहता है। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ई श्रम कार्ड न्यू पेमेंट लिस्ट 2024 ई श्रम कार्ड से बचे हुए जहाँ पर लोगों के खाते में आ गए पैसा, यहाँ पर 1000 रुपये ई श्रम कार्ड में आए हैं, कैसे आप लिस्ट में चेक करोगे अपना नाम, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर ई श्रम कार्ड न्यू पेमेंट लिस्ट 2024 यहाँ पर जारी हो चुका है। तो अगर आपके पास भी श्रम कार्ड है तो आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है। और इसकी नई पेमेंट यहाँ पर लिस्ट रा देख रहे हैं, लोगों को यहाँ पर बता दें कि इसका जो सूची जारी किया जा चुका है तो आप इसमें अपना नाम देख सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में जिस नागरिकों का नाम होता है केवल उन्हें ही सहायता राशि यहाँ पर मिलता है। यहाँ आपको बता दें कि श्रम कार्ड यहाँ पर संसाधन विभाग भारत का यहाँ पर सरकार के द्वारा श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट अपडेट किया गया है, किया जाता है, उसी में के अनुसार इस नई पेमेंट लिस्ट जारी की जाती है और इसके अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति को यहाँ पर मदद दी जाती है। अब जब श्रम कार्ड नई पेमेंट लिस्ट जारी आ गई है तो इसको आपको अवश्य चेक कर लेना चाहिए। कैसे चेक करोगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है, हम बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो तो इसके लिए हमारा आज की इस वीडियो को बस आपको एंड तक वॉच करना है, आपको बहुत लाभ होगा यहाँ पर, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप श्रम कार्ड नई सूची लिस्ट चेक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करोगे, पूरी जानकारी विस्तार से देंगे इस वीडियो के माध्यम से, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यहाँ पर श्रम कार्ड न्यू पेमेंट लिस्ट 2024 यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपकी आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं ई राशन कार्ड योजना जो लिस्ट जारी हुआ, इसके लिए आपको सरकारी योजना है, योजना का नाम ई श्रम कार्ड योजना है। किसने जारी किया, तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसको जारी किया है। तो उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें जो गरीब मध्यम परिवार के हों, यहाँ पर सभी श्रमिक धारकों को यहाँ पर आर्थिक सहायता 1000 रुपये आपको पेमेंट दिया जाता है, इसमें आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। लाभार्थी सभी श्रमिक हैं, यहाँ पर गरीब व्यक्ति जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किस्त आपको कितना मिलेगा, तो आपको 1000 रुपये किस्त मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस्त राशि 1000 रुपये वर्ष 2024 में आपको देखने को मिल रहा है। डिसीजन में आपको बता दें, डिसीजन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप चेक करोगे। आपको चेक कैसे चेक करना है बताएंगे। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में आज ही बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, ऐसे में लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए, सहारा देने के लिए सरकार समय पर योजना लाती रहती है। ऐसी एक योजना जिससे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों और मजदूरों के लिए लाई गई है। बता दें इस योजना के अंदर गरीब लोगों को वित्तीय मदद के अलावा और कई अन्य प्रकार के लाभ भी दिए जाते हैं, आगे बताएंगे कि कौन कौन से हैं। लेकिन इस योजना के अंदर केवल तभी आपको सरकार सहायता राशि देगी जब आपका लिस्ट में नाम होता है। यदि आप भी अपनी श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट में नाम चेक करने में रुचि रखते हैं तो आप इसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा या इसके संबंधित आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। क्या पढ़ सकते हैं इसकी थोड़े से आप डिटेल में बता देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर पेमेंट की स्थिति देख सकते हैं, 1000 श्रमिक और मजदूरों के यहाँ पर 1000 दिए जाते हैं, तो जिससे कि उसकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो सके। इसके अलावा यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करता है उसका लाभ दिया जाता है। जिन लोगों के पास श्रम कार्ड होता है उन्हें दुर्घटना में यहाँ पर 2 लाख की बीमा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उपलब्ध भी कराया जाता है। उसके बाद इसी प्रकार से लाभार्थी को यहाँ पर देख सकते हैं, वृद्धा खुशहाल यहाँ पर पेंशन योजना की सुविधा दी जाती है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य उपचार के लिए पैसे भी यहाँ पर मदद दी जाती है। ऐसे में किसी घर को कोई गर्भवती महिला हो तो उसे भी बच्चों के लिए पूरी सुविधा यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद आपको बता दें श्रम कार्ड योजना के पात्रता कौन रहेंगे, तो आपको पात्रता के लिए आपको बता दें, सबसे पहले तो आपकी उम्र यहाँ पर 16 साल से यहाँ पर पात्रता की बात करें तो 16 से 59 साल के मध्य में यानी बीच में होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर भारत के जो निवासी होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं इनकम टैक्स ना देता हो और आवेदनकर्ता CPF और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए, सॉरी CP नहीं EPF है, सॉरी
श्रम कार्ड पेमेंट लिस्ट कैसे आपको चेक करना है, तो अब इस डिसीजन में लिंक पड़ा है यहाँ पर उसका ऑफिशियल वेबसाइट का स्थिति। सबसे पहले आपको असंगठित, यहाँ पर देख सकते हैं इसका लिंक आपको नहीं, इसका लिंक में आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाना है असंगठित कर्मकार सुरक्षा बोर्ड का। तो आपको यहाँ पर आपको भारत पोषण भत्ता का विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन होकर आओगे तो फिर स्टेटस पेज आपको सामने ओपन होकर खुल के आ जाएगा। पूछे जाने वाले जानकारी को दर्ज कर लेना है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप दर्ज करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, फिर आपके सामने पेमेंट स्टेटस आपका नज़र आ जाएगा। इसी प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि श्रम कार्ड में भरण, यहाँ पर भरण पोषण भत्ता योजना में तहत राशि प्रदान की गई या नहीं, इस आप डिटेल में यहाँ से पता कर